अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.3 में आपको दिया गया है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने इनको डिवाइड करना है, यानी पॉलिनोमियल्स पे आप एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो कि है डिवीजन का। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन भी डिवीजन को कहते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यूज दी गई है 5x² + 9x - 80, इसको आप डिवीजन के अंदर लिखेंगे 5x² + 9x - 80, और इसी के बाद जो x प्लस 5 है उसको आप बाहर लिखेंगे x + 5। अब आपने करना क्या है, x + 5 को किस चीज से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास, आप पहले एक वैल्यू को बराबर करेंगे यानी 5x² आप बराबर करेंगे। तो पहले आप x + 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 5x² आ जाए। अब यहाँ पे क्योंकि टू वैल्यूज है तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एग्जैक्ट 5x² आ जाए। तो आपने अपना फर्स्ट वैल्यू यानी x मद्देनजर रखना है, ठीक है। इससे आप जब इसको मद्देनजर रखेंगे और जो वैल्यू आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बाकियों के लिए भी होती जाएगी, वो बराबर होती जाएगी और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक एक्स मौजूद है, आपको चाहिए कितने एक्स, 2x, तो आप एक एक्स लगाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, 5, तो आप 5 लगा देंगे, यानी 5x को आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज से, ठीक है। तो अब आप 5 को प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, 5 5 25 विद x, फिर प्लस प्लस प्लस, 5 1 5 x, यहाँ पे x, यहाँ पे तो x². अब आपने अपना जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई किया है वो आप अपने आंसर में लिखेंगे यानी 5x, और जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ चुका है उसको आप इनके नीचे लिखेंगे 5x² + 25x, ये आपने लिख दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हैं, इससे पहले एक्सरसाइज 5.2 में आपने पढ़ लिया है कि आप साइन चेंज करते हैं। तो प्लस का साइन कन्वर्ट होगा माइनस में, प्लस का साइन कन्वर्ट होगा माइनस में, अब इसको आप माइनस करेंगे, ये दोनों कैंसल हो जाएगी। क्यों कैंसल होगी, क्योंकि 5x² इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस, तो दोनों सेम वैल्यू से कैंसिल हो गई। अब प्लस माइनस माइनस, 25 में से 9 माइनस करेंगे, 16 आपके पास रह जाएगी विद x, क्योंकि बड़ी अदद के साथ माइनस साइन है तो माइनस। अब नेक्स्ट वैल्यू -80 भी आप नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। आपने अब क्या करना है, दोबारा इसी x + 5 को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 16 - 16x आ जाए। आपके पास x है, यहाँ पे भी x है, दोबारा क्या चाहिए आपको, 16, और क्या चाहिए, माइनस साइन, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 80, ठीक है, ओके 16 5 80, और इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 16x, ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो आप इस माइनस 16 को अपने आंसर में लिखेंगे ऊपर, और नेक्स्ट जो आ चुकी है वैल्यूज वो आप नीचे लिखेंगे -16x - 80, प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, तो जब प्लस माइनस होंगे आपस में कैंसिलेशन का अमल होगा, ये आपके पास आंसर यानी आपका आ चुका है 5x - 16, ये आपके पास आंसर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप पहले लिखेंगे 12x³ + 28x² + 13x - 3 को अपने डिवीजन के अंदर, और 2x + 3 को बाहर लिखेंगे। तो सबसे पहले 2x + 3 इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 12x³ आ जाए। तो आप पहले वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 12x³ चाहिए, यानी x एक आपके पास मौजूद है, आपको मजीद 2x चाहिए, तो x² आप लगा देंगे, 2 है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18x² विद प्लस साइन, क्योंकि प्लस 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 होगा, 6 2 18x³, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ये क्यूब बन गई, सॉरी 16। अब आप क्या करेंगे, इसको 6x² को आप ऊपर लिखेंगे, सॉरी 12 होगा, तो 12
एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर, यह आपके पास आ चुका है। यहाँ पे भी प्लस, प्लस को कन्वर्ट कर लिया माइनस में, प्लस भी हो गया माइनस में। अब फर्स्ट वैल्यू कैंसल, 28 माइनस 18 10x स्क्वायर, बड़ी अदद के साथ प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हम नीचे लेकर आएंगे 13x। अब दोबारा 2x प्लस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास 10x स्क्वायर आ जाए। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 2x है, 10x स्क्वायर है, आपको एक और एक्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो आप एक्स लगा देंगे। मजीद आपके पास 2 वहां पे है, आपको 10 चाहिए, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5, क्योंकि 2 5 जा 10 होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। आप प्लस 5x ऊपर लिखेंगे, 10x स्क्वायर प्लस 15x, प्लस को आप माइनस में चेंज करेंगे, इसको भी फर्स्ट वैल्यू कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस, 15 माइनस 13 क्या रह जाएगी आपके पास, 2x विद साइन माइनस, ठीक है, लास्ट में माइनस 3। अब नेक्स्ट लास्ट रन आप देखिए, 2x प्लस 3 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर ले कि आपके पास माइनस 2x माइनस 3 आ जाए, क्योंकि आपके पास माइनस 2 है, 3 है, 3 और माइनस 2 है, लेकिन साइन आपको सिर्फ चेंज चाहिए। और आप ये भी जान लें कि जब आपको मालूम है कि जब किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि साइन आपको माइनस माइनस चाहिए इस वजह से माइनस साइन लगाएंगे। माइनस प्लस माइनस, 1 3 3, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2x, ये आ चुका है, ठीक है। तो माइनस 1 आप ऊपर लिखेंगे, माइनस 2x माइनस 3, अब प्लस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, ये माइनस भी कन्वर्ट होगा प्लस में, तो दोनों कैंसिल होके आपके पास आंसर आ चुका है क्या, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्या x रेस्ट पावर 5 माइनस y रेस्ट पावर 5 को आपने डिवाइड करना है x माइनस y के साथ। तो पहले आप डिवीजन के अंदर लिखेंगे x पावर 5 माइनस y रेस्ट पावर 5, और x माइनस y को आप बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे साइड पे मैं ये इनके रफ वर्क करूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंथी है। ओके, x माइनस y को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास x रेस्ट पावर 5 आ जाए, क्योंकि एक x आपके पास है, आपको 5x चाहिए, तो x रेस्ट पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, x रेस्ट पावर 4y, फिर प्लस प्लस प्लस, और x रेस्ट पावर 5 आएगा। तो x रेस्ट पावर 4 को आप ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x रेस्ट पावर 5। अब देखिए y रेस्ट पावर 5 आपके पास नहीं आया तो आप क्या करेंगे, साइड पे लिखेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको मुश्किल लगता है तो ये पहले y रेस्ट पावर 5 को माइनस के साथ आप लास्ट में लिख दें, अब जो भी आंसर आते जाए आप यहाँ पे लिखते जाएंगे क्योंकि लास्ट जाके वो आंसर आएगा। तो माइनस x रेस्ट पावर 4y, अब आपने इसको माइनस करना है, माइनस को चेंज करेंगे आप प्लस में, यहाँ पे प्लस पे को चेंज करेंगे आप माइनस पे, तो ये दोनों कैंसल, प्लस साइन के साथ हम x रेस्ट पावर 4y को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, विद माइनस 4y रेस्ट पावर 5। अब फिर से आप x माइनस y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x रेस्ट पावर 4 और y आ जाए, एक x आपके पास है, आपको मजीद x क्यूब चाहिए ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके x पावर 4 आ जाए, और y चाहिए, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस माइनस, एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, क्योंकि एक एक वाई यहाँ पे, एक वाई यहाँ पे है, और एक एक्स यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तो ये एक्स रेस्ट पावर 4y, आप लिखेंगे ऊपर प्लस एक्स क्यूब वाई, और एक्स रेस्ट पावर 4y माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर। अब ये प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में, ये माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू कैंसल, सेकेंड वैल्यू विद प्लस साइन आप नीचे लेकर आएंगे, एक्स रेस्ट पावर 3y स्क्वायर, और माइनस y रेस्ट पावर 5। ओके, अब आपने x माइनस y लिख लिया,
आपको x की दो वैल्यूज चाहिए तो x स्क्वायर और y की दो वैल्यूज चाहिए तो y स्क्वायर आपने लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे एक यहाँ पे वाई क्यूब बन जाएगी विद माइनस साइन और ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बनेगा। आप अपना आंसर ऊपर लिखेंगे प्लस के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में, प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, ये दोनों कैंसिल, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और लास्ट में माइनस वाई रेस्ट पावर फाइव। अब आप दोबारा एक्स माइनस वाई को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक एक्स है, एक आपको दो एक्स चाहिए तो आपने एक एक्स लगा दिया और वाई क्यूब आपको चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स वाई रेस्ट पावर तीन, यहाँ पे यहाँ पे चार एक्स स्क्वायर क्योंकि एक एक्स यहाँ पे ये स्क्वायर बन जाएगी और वाई क्यूब आपने लिखा प्लस के साथ एक्स वाई क्यूब और आपका आंसर आया है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई फोर, ये माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में, ये प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, ये कैंसल। नेक्स्ट मैं यहां पे आपके लिए करूंगी। ठीक है, तो आपके पास रह गया है एक्स माइनस वाई को डिवाइड करेंगे हम किस नंबर से, नीचे आपके पास रह गया है एक्स वाई रेस्ट पावर फोर और माइनस वाई रेस्ट पावर फाइव। अब फिर से आप एक्स माइनस वाई को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास एक्स वाई रेस्ट पावर फोर आ जाए, एक्स है आपके पास वाई रेस्ट पावर फोर आपको चाहिए, माइनस प्लस माइनस वाई फोर यहाँ पे एक यहाँ पे वाई फाइव, एक्स यहाँ पे वाई रेस्ट पावर फोर यहाँ पे, तो वाई आपने इसको भी मैं बाकियों के साथ लिख लेती हूँ, प्लस वाई रेस्ट पावर फोर से आपने लास्ट में मल्टीप्लाई किया है तो एक्स वाई रेस्ट पावर फोर माइनस वाई रेस्ट पावर फाइव, तो माइनस चेंज हो गया प्लस में, प्लस चेंज हो गया माइनस में, दोनों कैंसल हो गए, तो आपके पास आंसर है एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर थ्री वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई रेस्ट पावर फोर। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर थ्री भी कंप्लीट करेंगे। अब आपके पास बाकी जितने भी क्वेश्चंस है आपने सेम यही मेथड अप्लाई करके एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट करना है और इसके साथ आपका 5.3 कंप्लीट हो जाएगा।